केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा, असली लड़ाई यूपी बीजेपी में। तकरार पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि बाजार में समय समय पर ऑफर आता है, इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आजकल योगी आदित्यनाथ काफी दुविधा में हैं और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या सच्चाई है, इस पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में झगड़ा दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा हैं। दिल से कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में सबका साथ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, इसमें केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा हैं। मानसून ऑफर पर अखिलेश ने की खुलकर बात। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बाजार में समय समय पर ऑफर आता है, तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया कि हमारे पास तो संख्या है, अगर वह 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं। कांवड़ियों पर लिए गए फैसले पर अखिलेश ने कसा तंज। अखिलेश यादव ने कहा कि कांवड़ियों को लेकर जो योगी सरकार ने आदेश दिया है, उसमें सरकार ने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी तख्ती लगा लें, वो इसलिए लगाएं क्योंकि बीजेपी को कुर्सी बचानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो कांवड़ियों के लिए जाने वाले रास्ते पर खासकर उनकी नजर थी कि जो लोग मुस्लिम हैं उनकी तख्ती लग जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये रास्ता इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि उनके अंदर झगड़ा है, उस झगड़े को छिपाने के लिए सब फैसले लिए गए, कारोबार एक दूसरे को जोड़ते हैं। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं समझता हूँ बीजेपी समाज में गलत चीज फैला रही है क्योंकि जनता इस फैसले के पक्ष में नहीं थी, इसलिए बीजेपी बैकफुट में चली गई। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कारोबार एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है।